हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शनि की 7:30 ही लगने वाली है। शनि बदल रहे हैं अपनी चाल और 3 राशियों से वो अपनी नज़र फेरने वाले हैं। ऐसे में आपको बाबा हनुमान बचा सकते हैं दोस्तों। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही पापियों के तो पसीने छूट जाते हैं। दरअसल शनि अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। अगर आप अच्छे हैं तो शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और अगर अब तक आपने बुरे कर्म किए हैं दोस्तों तो आप डर जाएं। अब आने वाला है आपका निर्णायक समय और शनि लेंगे आपकी क्लास। दोस्तों, शनि समय समय पर अपनी चाल बदलते रहते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए आपको हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। जिस भी राशि पर 7:30 और ढैया का प्रभाव होता है उसे अनचाही परेशानियों से माना जाता है रूबरू होना पड़ता है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में भी अच्छाई का दामन थामे रखता है, शनि उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और उसे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखते हैं। 26 अक्टूबर थर्सडे दोस्तों, शनि अपना घर बदल रहे हैं। वृश्चिक राशि को छोड़कर फिर से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं शनि देव, और अब वो 26 अक्टूबर से मेष, सिंह और तुला राशि पर से अपनी नज़र फेर लेंगे, जिससे इन तीनों राशियों को जो भी लंबे वक्त से परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था उसके बाद राहत का अनुभव होने वाला है। मेष और सिंह राशि पर 2.5 साल से ढैया का जोर था जो अब समाप्त हो जाएगा। अब इन 3 राशियों के माना जाता है अच्छे दिन लौट आएंगे, सचमुच के अच्छे दिन लौट आएंगे। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, और जहां इन 3 राशियों को सौगात मिलने जा रही है वहीं कुछ राशियों पर शनि की तिरछी नज़र बरकरार हो जाएगी। 26 अक्टूबर से वृषभ राशि और कन्या राशि पर फिर से धनी शनि की ढैया का दौर आरंभ हो जाएगा, और मकर राशि यानी मेरी राशि दोस्तों, उन पर शनि की 7:30 आरंभ होने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कर्म अच्छे रखने हैं, और 26 अक्टूबर को जब शनि बदलेंगे घर, उनके वार से बचा सकते हैं हमें केवल हनुमान जी। 26 अक्टूबर को शनि जब अपना घर बदलेंगे तो ग्रह मंडल की सबसे बड़ी घटनाओं में मानी जा रही है दोस्तों। वैसे तो 9 ग्रह का देखिए, हर ग्रह का अपना अपना महत्व होता है, किसी ना किसी रूप से हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन शनि का शुभ और अशुभ प्रभाव खास मायने रखता है। हनुमान जी को प्रसन्न करके शनि देव हमें हर वार से बचा सकते हैं। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के खास उपाय करने के लिए आदर्श दिन माने गए हैं। हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, आप अवधी भाषा में करें, आप हिंदी में करें, जैसे भी करें, पर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, मैं अगला वीडियो शेयर कर देती हूँ राम रक्षा स्तोत्र का, आप वो वीडियो को रोज़ सुनें। जीवन में आ रहे संकटों का नाश होगा। राम नाम का जप करने से शनि से संबंधित हर प्रकार के प्रभाव, हर प्रकार के दोषों का प्रभाव सब कम हो जाते हैं। और घर में अगर माना जाता है आप शनि यंत्र, यूजुअली मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कोई लोग अगर चाहे तो घर में शनि यंत्र रख सकते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ दोस्तों, शनि देव के मंदिर जाएं वो ज़्यादा बेटर है, और सभी परिवार के सदस्य मिलकर के पूजन करें। प्रतिदिन यंत्र के आगे कड़वे तेल का दीपक, जो लोग यंत्र स्थापित करना चाहते हैं वो करें और कड़वे तेल का दीपक अर्पित करें, इससे भी शनि का प्रकोप शांत होता है। और नहीं तो आप सैटरडे की सैटरडे शनि मंदिर जाएं और वहां जाकर के एक कड़वे तेल का दीप प्रज्वलित करें। घोड़े की नाल या नौके की जो कील होती है, शिप की जो कील होती है, उसकी अंगूठी बनवा करके लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में स्थापित करें और लड़के अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहने। शनिवार के दिन इस अंगूठी को पहनना होता है दोस्तों, और जब आप पहनेंगे उसके पहले आप इसको गंगा जल से पवित्र कर लें और उस शनिवार के दिन पहने, और गंगा जल से पवित्र करने के बाद ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। थोड़े से रोली मोली पंचोपचार पूजन कर लें उस अंगूठी की, उसके बाद शुभ मुहूर्त में धारण करें।
बंदरों, काले कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिलाने से, या किसी भी, अगर आपके पास काले कुत्ते नहीं, आप किसी भी और काले जानवर को खिला सकते हैं, बूंदी के लड्डू खिलाने से प्रतिकूल होते हैं शनि। अगर ये बूंदी के लड्डू पॉसिबल नहीं हो तो एक रोटी में कड़वा तेल लगाकर, यानी कि सरसों का तेल लगा करके काले जानवरों को खिलाएं। काला धागा अपने शरीर के किसी भी अंग में धारण करें दोस्तों, बहुत ही अशुभ रहेगा आपके लिए। काले धागे को माला की तरह अगर आप घर गले में पहन लें, और अगर गले में पॉसिबल नहीं है तो आप कमर पे बांध सकते हैं। आप चाहें तो अपने गर्ल्स अपने लेफ्ट हैंड में बांधें, बॉयज़ अपने राइट हैंड में बांधें, पैरों में बांध सकते हैं। आप कहीं भी काला धागा अपने शरीर पे ज़रूर बांध के रखें। किसी भी विद्वान से लाल चंदन की माला को अभिमंत्रित करवा लें। अगर आप किसी विद्वान से नहीं करा सकते तो खुद से घर पे कर लें लाल चंदन की माला। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि लंबा प्रोसीड्योर है कैसे अभिमंत्रित होती है। लाल चंदन की माला आप अभिमंत्रित करवा करके भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको शनि दोषों की मुक्ति मिलती है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा सिंदूर ले लें, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल दो चार ड्रॉप डाल लें, और उसको मिला करके हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप किया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शनि देव को शनिवार की शनिवार छाया दान करें। छाया दान करने का अर्थ क्या होता है, एक कोई भी लोहे के बर्तन में थोड़ा सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देख करके या तो शनि देवता के मंदिर में चढ़ा दें, या जो शनिवार जो आते हैं कलेक्ट करने के लिए घर घर, उनको भी आप दे सकते हैं, या फिर मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ किसी भी गरीब को दान कर दें। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जब आप जाएं, हनुमान जी के चरणों से राइट पांव का जो अंगूठा होता है हनुमान जी का, उसमें से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक करें। इससे भी हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शनि देव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब शनि चढ़ रहा है तो हम हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो में आपको पूरी कथा भी सुनाई थी कि जब हनुमान जी शनि देवता को पकड़ के मारने वाले थे, तब शनि देवता ने उनको छोड़ने का जब उनसे आग्रह किया, तब उन्होंने बोला था कि प्रॉमिस करो कि जो भी मेरा भक्त होगा, हनुमान जी ने शनि देवता से प्रॉमिस लिया था कि जो भी मेरा भक्त होगा उसको तुम कभी नहीं सताओगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं इस शनि की साढ़े साती में या ढैया में, तो आप देखेंगे आपको शनि देवता, आप उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आप चाहें तो तुलसी की माला बना करके हनुमान जी को चढ़ाएं। आप चाहें तो उड़द दाल के बड़े बनाकर उसकी माला हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। गुलाब के फूल हनुमान जी को विशेष रूप से पसंद होते हैं, उनकी माला बना करके चढ़ाएं। और रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का आप जप करें। हनुमान जी का मंत्र मैं तीन मंत्र बताऊंगी, आप तीनों में से कोई भी एक जप कर सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र है श्री हनुमते नमः। शनि देव का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। लघु मंत्र है ओम एं ग्लीं श्री शनिश्चराय नमः। वैदिक मंत्र है शनि देवता का ओम शन्नो देवीर भिष्टय आपो भवन्तु पीतय शन्योर भिस्त्रवंतु नमः। ये मंत्र आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, करने हैं आपको ये उपाय, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि क्या असर कौन सी राशि पर पड़ने वाला है। दूसरे वीडियो में मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। दोस्तों, वृश्चिक राशि में जो शनि की साढ़े साती अंतिम चरण है वो बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। वहीं धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए गृह क्लेश, शारीरिक मानसिक कष्ट और रोजगार में उतार चढ़ाव का संभावना है। मकर राशि का पहला चरण लाभदायक रहने वाला है। अगर कर्म अच्छे रहेंगे आपके दोस्तों, तो आपके लिए पूरा शनि का साढ़े साती बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। वृषभ और कन्या राशि वालों के लिए शनि की ढैया कष्टकारी साबित होगी, इसलिए हनुमान जी की उपासना करें। मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखिए दोस्तों, शनि की जो ज्योतिष में हम उसको न्याय, प्रजातंत्र, लोहा, ज्ञान, वैराग्य, राजयोग और राजनीति का कारक ग्रह मानते हैं।
शनि महाराज के पास किसी को भी सुखी और दुखी करने की कोई पावर ही नहीं है। और शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, शनि अर्थात न्यायाधीश। शनि महाराज के पास किसी को भी सुखी या दुखी करने की सत्ता होती ही नहीं है। शनि देव हर व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार फल देते हैं। आप समझ लीजिए वो जज हैं दोस्तों। तो शनि की जब दशा होती है, अंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, या छोटी बड़ी पनौती होती है, तो घबराना नहीं चाहिए। यूजुअली सब लोग, काफ़ी लोग मुझे वीडियोस के नीचे मैसेज कर रहे हैं, मैम लग रही है 26 से, लग रही है 26 से। ये एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ आगाह करने के लिए, घबराने के लिए नहीं है, इसलिए डरना नहीं है। अपने कर्म अच्छे लगे, आपको शनिदेव कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। दोस्तों शनि एक मंद गति का ग्रह है और हर 30 वर्ष पर एक राशि का चक्र पूरा करता है। और मंद गति का जो ग्रह है, जातक को भी एक स्थिर गति प्रदान करता है। शनि यानी कैलकुलेशन और किफ़ायत। इसलिए दोस्तों शनि अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है। मेष राशि वालों का तो भाग्य उदय होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव, थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों की घरेलू समस्या हो सकती है। कर्क राशि वालों को शत्रु विजय, रुके हुए काम हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को धन लाभ मिलेगा, मानसिक और संतान सुख मिलेगा। कन्या राशि वालों की उलझने बढ़ सकती है, तनाव बना रह सकता है। तुला राशि वालों के रोजगार में उन्नति होगी। और वृश्चिक राशि वालों की तो बम बम भोले होने ही वाली है, धन लाभ होगा, उन्नति होगी। धनु राशि वालों को मानसिक शारीरिक कष्ट बना रह सकता है। मकर राशि वालों को धन लाभ की प्राप्ति है, रुके हुए काम पूरे होने वाले। और कुंभ राशि वालों को अर्थ लाभ यानी पैसे का लाभ होगा, व्यापार रोजगार में लाभ होगा। मीन राशि वाले, प्रमोशन की संभावना है, व्यापार वृद्धि है और आपको सम्मान मिलेगा। दोस्तों सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन तुरंत घुमाएं कि शनि की 7:30 है, तो सब लोग अपनी अपनी कुंडलियों के हिसाब से जो जो सेफ्टी रखनी है वो सेफ्टी रख सकती है रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, सभी को हनुमान जी की उपासना पर खासा जोर देना है, ताकि हनुमान जी हमारी इस शनि की 7:30 में ढैया में सबकी रक्षा कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, एंड जय हनुमान जी की।